हे दोस्त, जीवन की त्रासदी ये नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, बल्कि जीवन की त्रासदी तो ये है कि आपके पास आपका कोई लक्ष्य था ही नहीं। सपने देखो, बड़े सपने देखो, क्योंकि सपने ही वो चीज है जिसमें सफलता का एक विशाल पेड़ खड़ा कर देने की क्षमता होती है। पर सपनों को साकार करने के लिए जरूरी है उन पर काम करना। अपने सपनों को खुली आंखों से देखे जाने वाले सपने बनाइए, अपना लक्ष्य तय करिए। लक्ष्य बनाना सफलता के लिए उतना ही जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए सांस लेना। अपने आप से प्रश्न करते हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं? क्या हम उन्हें पा सकते हैं? क्या हमें अपने लक्ष्य दिखाई देते हैं? क्या सोते जागते उठते बैठते वो हमें महसूस होते हैं? अगर नहीं तो हम पानी में पड़े एक सूखे पत्ते की तरह हैं। पानी की धारा के साथ एक सूखे पत्ते को तैरते देखा है? जहां प्रवाह वहीं पत्ता। बस ऐसे ही बिना लक्ष्य के हम बहते रहते हैं। और अगर हमारे लक्ष्य की कमान में सपनों का तीर है तो निशाना सीधा सफलता पर लगेगा। फैसला हमारा है, हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं। हम अपने सपनों को पूरा करने में वर्षों लगा देते हैं, पर यदि हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य हो तो उनमें से कई सिर्फ चंद महीनों में पूरे हो जाएंगे। वरना बिना लक्ष्य के तो सपने बंद आंखों से देखे गए सपने होंगे। दोस्त, कल्पना कीजिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, चारों तरफ घना कोहरा है, आपकी गाड़ी बहुत कीमती है, इंजन भी कमाल का है, बढ़ाइए अपनी गाड़ी की स्पीड। आप नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कोहरे ने रास्ते को ढांप लिया है। ऐसा ही है हमारा लक्ष्य वही जीवन, एक घने कोहरे से ढके रास्ते की तरह। हम में से कईयों के मन में ये प्रश्न जरूर आता है कि मेहनत तो सभी करते हैं पर सफल कुछ ही लोग क्यों होते हैं। जीवन के छोटे छोटे क्षेत्र में भी हमें पता होना चाहिए कि हमें आखिर चाहिए क्या। हम टिकट काउंटर पर जाते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है कि हमें जाना कहाँ है। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हमें खाना क्या है। अगर हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो दुकानदार का पहला प्रश्न यही होता है कि आपको कैसे कपड़े चाहिए। जब हम चिट्ठी पोस्ट करते हैं तो हमें उस पर पता लिखना होता है कि वो कहाँ भेजनी है। फिर जीवन की नैया में हम बिना लक्ष्य के कैसे सवार हो सकते हैं। नाव में बैठ गए, पतवार हाथ में है, लेकिन पता ही नहीं कहाँ जाना है। सोचिए क्या होगा ऐसी नाव में बैठे हुए इंसान के साथ। अगर आपके पास लक्ष्य है तो वो आपको भटकने नहीं देगा। एक राहगीर ने सड़क की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी से पूछा, ये सड़क मुझे कहाँ ले जाएगी। आदमी ने राहगीर से पूछा, तुम्हें जाना कहाँ है। राहगीर ने कहा, मुझे नहीं पता। इस पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तब कोई भी सड़क पकड़ लो, क्या फर्क पड़ता है। वास्तव में अगर हम जानते ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हर सड़क कहीं ना कहीं तो पहुंचाएगी ही। पर फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, जब वो सड़क हमें वहां पहुंचा देगी जहां हमें कभी जाना ही नहीं था। पर अफसोस की बात है, हम में से अधिकतर अपने जीवन में ऐसी ही जगह पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था हमें जाना कहाँ है। अगर आपके पास लक्ष्य है तो वो आपको हार मानने नहीं देगा। एक औरत को जानलेवा बीमारी हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम कुछ ही दिन जिंदा रहोगी। उस समय उसका बेटा सिर्फ 2 साल का था। बीमारी का पता चलने के ठीक 3 महीने बाद उसके पति का भी देहांत हो गया। जिंदगी रहम नहीं करती, खुद लड़ना होता है। ये बात कहीं ना कहीं उसे समझ आ गई। उसने संकल्प लिया कि वो अपने 2 साल के बच्चे की कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने से पहले मरेगी नहीं। लक्ष्य बन गया अब ये उसका। उसने अपने पति की किराने की दुकान चलाई, पैसा जुटाया और बच्चे को पढ़ाया। उसके कई ऑपरेशन भी हुए।
हर बार डॉक्टर कहते बस कुछ महीने और, कुछ महीने और ये महीने खिंचते चले गए और साल बनते चले गए। जानते हैं, उसने अपनी आंखों से अपने बच्चे को कॉलेज की डिग्री लेते देखा और उसके कुछ ही हफ्तों बाद वो चल बसी। ऐ दोस्त, आंखें बंद करके सोचो, हम क्या होना चाहते हैं? वो सूखा पत्ता जो पानी के बहाव के साथ बहता रहे, या वो टूटी पतंग जो हवा में हिचकोले खाती रहे, या वो नाव जिसे अपनी दिशा का पता ही ना हो, जो लहरों के साथ डोलती रहे, या वो तीर जो सीधा कमान से निकले और सीधा अपने निशाने पर जाकर पहुंचे। जिंदगी हमारी है, फैसला हमारा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।